शहजादा है? ये असली शहजादा है? ओवर यार शताज तुम का भाई। नहीं 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 शताज बहुत अच्छी है, शताज जैसा तो कोई है ही नहीं, शताज तो मेरी इतनी प्यारी बहन है, शताज की तो मैं क्या मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई। शताज तुम घर आ गई हो? मैम आपको एक तो इस लड़की को मैंने मैसेज किया कल, मेरी बातें सुने नहीं नकली। मुझे पता ही नहीं था तुम रोड पे लाइव पे बैठी हो यार, मुझे मेरी बहन ने बताया, कहती ये शताज है, मैंने कहा असली है, मतलब आइडियाज की असली है। मैंने शताज खान को मैसेज किया बकायदा कि शताज खान क्या मुझे इजाजत है आपके महल में कदम रखने की। शताज सुन लिया मैंने सब कुछ, अब कौन रिकॉर्ड करके। आई लव यू यार शताज। नहीं आई मिस यार, जल्दी आ जाओ शताज, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हुई थी, और अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, एक ही दफा बताऊंगी लाइव ब्रॉड। यार मैं सोच रही हूँ बीगो कर लूं, क्योंकि वहां स्नैक तो बंद हो गया शताज, स्नैक वाले ऐसे पैसे नहीं दे रहे, तो अब ना जरा बीगो में सोच रही थी, तो इसलिए मेरे मुंह से ब्रॉड ब्रॉड निकल रहा है। आई लव यू यार शताज, मैं तुझे बहुत उदास हूं, मुझे पता तुम मुझसे इतना सा भी उदास नहीं हो, और मैंने तुम्हारे साथ इतनी स्टोरीज लगाई थी इतनी, और तुमने कोई भी नहीं देखी। मैंने ऐसे बड़े बड़े दिल बनाए थे, दिल कहती है, दुनिया बनाई थी दुनिया, कि मेरी दुनिया तुम हो, और कल लारे ने इतना बड़ा वेलकम किया तुम्हें, और तुम चली गई, और वो उसके बाद बेचारा बोलता रहा 5 मिनट, फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा ज्यादा ओवर ना हो, वो चली गई। स्नैक वाले हरामी डैश, अल्लाह की कसम मेरी तो जुलाई की पेमेंट फंसी हुई थी, मुझे जुलाई की उन्होंने, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने जान के इग्नोर किया था। कभी खुशी कभी गम क्यों, अब तुम मुझे जान बूझ के इग्नोर करोगी? ये सुनने से पहले मैं कश्यप जैसी हट्टी कट्टी क्यों नहीं हो गई? शताज तुमने मुझे इग्नोर किया यार, और तुम अब चल मुंह पे बता रही है कि मैंने जानबूझ के इग्नोर किया था यार, क्यों? मेरा बच्चा मुझसे नाराज, ले मैं अपनी बहन के लिए इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेके आऊंगा, मेरा बच्चा कब आएगा? तुम जल्दी आ जाओ फिर मैं तुम्हें मना लूंगी, सही है? मैं तुम्हें मनाने के लिए, कान पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, तुम जिस भी वजह से नाराज हो, मुझे वैसे पता नहीं है मैंने क्या किया, लेकिन कुछ किया ही होगा, तो मैं उठक बैठक करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हें चॉकलेट भी दिलाऊंगी, मैं तुम्हें गुलदस्ता भी फूलों का लेके दूंगी, क्योंकि मुझे पता तुम्हें पसंद है फूल बहुत ज्यादा, और मैं तुम्हें पप्पी भी दूंगी इतनी ढेर सारी, तो तुम खुद ही मान जाओगी, ठीक है? हाँ तो मैं दिल में नहीं रखती ना, मुंह पे बोलती, अच्छी बात है, लेकिन मैंने किया क्या है यार, मेरी बाकी नहीं, अच्छा मैंने तो तुमसे पूछा भी था फोन करके कि तुम मुझसे नाराज हो, तुमने कहा नहीं, फिर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया है। इसकी पूरी तहकीक की जाएगी, किसने धक्का दिया था तुम्हें म्यूजिकल चेयर में, किसने धक्का दिया था तुम्हें म्यूजिकल चेयर में, मतलब म्यूजिकल चेयर अभी जो खेला है, अभी तो मुझे किसने धक्का दिया ही नहीं, महीने पूरी मारे। ओए मैं लाइव बैठी हूँ, यार पता है क्या, म्यूजिकल चेयर में कोई मुझे खूनी मार रहा होता है शताज, कोई मुझे टांग मारता है, कोई आगे चलता नहीं है, और मैं अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं अपने दुख, मैं तुम्हें बस अब मैं मेरा मुंह से निकल जाएगा कुछ, और यार लोग जो है ना पता नहीं क्या से क्या बना देंगे, और एक मैं आई भी जहां पर हूं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है, यूट्यूबर्स में उठा के फेंका है मुझे, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो लोग तो अभी कह रहे हैं जरनाफ फातिमा बड़े मैचेस में रेड लगवाएगी, जरनाफ फातिमा ये कर देगी, जरनाफ फातिमा वो कर देगी, मैं अभी अल्लाह की कसम अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रही थी कि जिस तरह का तुम खेलती हो शताज, उस तरह का तो हम सब में से कोई भी नहीं खेलता, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंसान मतलब रिलैक्स होकर खेले, जिस तरह तुम हमेशा शुरू से मुझे एक ही चीज सिखाती हुई आई हो कि रिलैक्स होकर खेलना है, पैनिक नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और तुम बड़े मैचेस भी ऐसे ही खेलती हो, और मैं बड़े मैचेस जैसे खेलती हूँ तुम्हें पता है, तो अगर कुछ हो गया ना अल्लाह की कसम तो मेरी बहुत बेइज्जती होनी, अपनी बहन को सदका दो, सबको बताऊंगी मैं, एक एक को धक्का मारूंगी। अल्लाह की कसम की आंखों में पानी आ गया इधर,
सकती, मैं तुमसे बहुत उदास हूँ। रोए हमारे दुश्मन। नहीं रोगी नहीं रोगी, तुम्हें नहीं पता यार, अल्लाह की कसम मैं वहां पे भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और मुझे मैं वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा उदास हूँ। कुत्ते, तुमने मुझे लाइफ पे रुला दिया। ऐसी की तैसी होगी, देखना इंशाल्लाह 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 जीत के आएंगे, फिर हम दोनों साथ खेलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम बहुत मेहनत करेंगे कि हम जीते हैं, ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दानिश भाई ने कहा था जो टीम जीतेगी वो दो प्लेयर और ले सकती है, तो हम इंशाल्लाह फिर शताज और शहज हम सब मिलके खेलेंगे। चुच्चू के साथ आऊंगी, ठीक है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत उदास हूँ, तुम्हें अल्लाह की कसम तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम